नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम, आपका दोस्त। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप गाड़ी की किसी भी पार्ट को घर पे किस तरह से पेंट करते हैं, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो। इसके लिए कौन सा मटेरियल लगेगा मेरे दोस्तों, कौन सा स्प्रे लगेगा, उसकी कॉस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो इसी गाड़ी के ऊपर होगा। ये होंडा की लियो गाड़ी है, ओके। तो इसको हम, ये जो पिछला वाला पार्ट है दोस्तों, ये कैरेज, इसका कलर आप देख सकते हो किस तरह से ख़राब हो चुका है। इसको टोटली पेंटिंग की प्रोसेस हम देखेंगे। इसकी कंडीशन दोस्तों आप देख सकते हो किस तरह से दिखाई दे रही है। ये जो पुराना वाला कलर है बहुत ही ख़राब हो चुका है, ख़राब क्वालिटी का हो चुका है। तो इसको पेंटिंग के लिए सबसे पहले तो आपको एक बॉन्सी कंपनी का स्प्रे लेना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्विक ड्राइंग लिक्विड स्प्रे 100% एक्रेलिक, ओके दोस्तों। इसमें लिखा है नीचे की ऑटोमेटिक फिनिशिंग, यही स्प्रे आपको लेना है, ओके दोस्तों। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके दोस्तों। इसकी जो क्वांटिटी होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो नेट वेट 300 ग्राम है, ओके दोस्तों। इसके लिए जो दूसरा मटेरियल लगेगा दोस्तों, वो ये होगा कि 320 नंबर का, ओके दोस्तों, 220 एंड 320 नंबर का सैंडिंग पेपर, इसको आप पॉलिश पेपर भी बोल सकते हो, ओके दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो दो ग्रेड का, यहाँ पे 320 एंड 220 नंबर के दो सैंडिंग पेपर हमने यूज़ किए हैं, ओके दोस्तों। उसके बाद जो मटेरियल लगेगा ये, इसको अगर कलर हम इसके ऊपर मारेंगे दोस्तों, इसके ऊपर, तो निचले वाला जो साइड है उसके ऊपर कलर ना जाए, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। दूसरे जो पार्ट्स है, ओके दोस्तों, कटर भी यूज़ में ले आएंगे। और उसके बाद वो, ये जो सैंडिंग पेपर होती है दोस्तों, इसको आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, इसकी मेथड मैं आपको बताऊंगा। इसको आपको वाटर पेपर में यानी कि पानी में भिगो के इसके ऊपर अप्लाई कर देना होगा। इसकी टोटल प्रोसेस क्या होगी दोस्तों, वीडियो में आगे जाके देखेंगे। लेकिन आपको मटेरियल क्या क्या लगेगा पेंटिंग के लिए घर पर, वो आप, मैं बेसिकली जो जो चीज़ें लगेंगे ये सारी चीज़ें की लिस्ट मैंने बताई है, ओके दोस्तों। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो अमेज़न के ऊपर से। अगर आपके पास, आपके नज़दीक कौन सा भी अच्छा वाला पेंट शॉप होगा तो वहाँ पे जाके भी आप परचेस कर सकते हो, ओके दोस्तों। अगर आपको अवेलेबल नहीं होगा तो आप अमेज़न के ऊपर से खरीद सकते हो, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और पॉलिश पेपर की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 320 नंबर का यानी कि 320 ग्रेड का एंड 220 ग्रेड का दो सेंडिंग पेपर आपके, आपको इस काम के लिए लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके आगे वाली जो प्रोसेस होती है क्या होती है, ये देखेंगे आप। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे, पहले तो 220 नंबर का पेपर मैं वाटर में भिगो के इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा, ओके दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा। ये जो सैंडिंग पेपर होता है यानी कि वाटर पेपर, पॉलिश पेपर होता है दोस्तों, इसको इसके ऊपर क्यों अप्लाई करें, इसका रीज़न पहले आप समझ लें। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो कलर कट हो गया है, इसके ऊपर आप हाथ घुमाओगे तो खरबरित लगेगा दोस्तों, ये स्मूथ नहीं लगेगा, आपको इसको स्मूथ करना है। इसलिए हम ये सैंडिंग पेपर यूज़ करेंगे। पहले 220 नंबर का सैंडिंग पेपर, जिस जगह पर बड़े गड्ढे है उसके ऊपर 220 नंबर वाला सैंडिंग पेपर यूज़ करेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर फिनिशिंग लाने के लिए 320 नंबर का सैंडिंग पेपर यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, किस तरह से हम सैंडिंग करते हैं ये आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो वाटर पेपर है, इसको मैंने वाटर में भिगाया है। उसके बाद जिस चीज़ के ऊपर अप्लाई करना है उसके ऊपर मैंने थोड़ा पानी डाला है, और उसके बाद उसके ऊपर घिसेंगे, ओके दोस्तों। घिसने के बाद आप डिफरेंस देखोगे कि किस तरह से आपको उसमें कलर में फिनिशिंग दिखाई देगी। आप यहाँ पे फिल नहीं कर सकते, यहाँ पे आप देख सकते हो कलर निकालने के बाद स्मूथ हो गया है, ओके। इसके ऊपर वाटर पेपर अप्लाई कर देने के बाद स्मूथ होता है। इसी तरह से टोटली जिस जगह पे आपको पेंटिंग करना है उस जगह पे, सभी जगह पे आपको अप्लाई कर देना होगा, ओके दोस्तों। इससे क्या होगा, जो नया वाला कलर है उसकी फिनिशिंग आ जाएगी, और जो ये जो कट्स होते हैं, ओके दोस्तों, कलर, पुराने वाले कलर के कट्स होते हैं,
उसको निकल जाने के बाद स्मूथनेस भी बहुत ही अच्छी तरह से आएगी। ओके दोस्तों, इसीलिए आपको उसके ऊपर और जो नए वाले कलर होते हैं उसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी तरह से पकड़ा जाएगी, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। ओके दोस्तों, तो टोटली हम सैंडिंग करेंगे पहले तो 220 नंबर के पेपर से, उसके बाद 320 नंबर के, और उसके बाद उसके ऊपर स्प्रे अप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं अगली वाली स्टेज क्या होती है। दोस्तों, सैंडिंग करते समय जो ध्यान में रखने वाली चीज़ें ये होती है कि आपको दोस्तों जो शाइनिंग होती है पुराने वाले कलर की, उस शाइनिंग को टोटली पूरी तरह से रिमूव करनी होगी या कम करनी होगी अगर उसके ऊपर नया वाला कलर अप्लाई कर देना है। अगर उसके ऊपर की यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो शाइनिंग है, ये शाइनिंग रहेगी दोस्तों, तो जो नया वाला कलर हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो पपड़ी बन के निकल जाएगा दोस्तों, उसके ऊपर ग्रिप नहीं पकड़ेगा। इसके लिए आपको इस सैंडिंग पेपर की मदद से यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसी फिनिशिंग होगी, तो उसको निकाल के कुछ इस तरह से करनी होगी आपको। ओके दोस्तों, इसके लिए आपको सैंडिंग पेपर से, वाटर पेपर से इसके ऊपर सैंडिंग करनी होगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाता हूँ मैं कुछ इस तरह से। ओके दोस्तों, तो ऐसा होगा तो नया वाला कलर अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर अच्छी तरह से ग्रिप आएगी। तो सैंडिंग, टोटली सैंडिंग करके मैं आपको फाइनली फिनिशिंग किस तरह से आएगी वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे 220 नंबर का सैंडिंग पेपर यानी कि वाटर पेपर, पॉलिश पेपर अप्लाई कर देने के बाद किस तरह से सिटकड़ी दिखाई दे रही है। ओके दोस्तों, जो नहीं रिक्वायर्ड था वो कलर निकल चुका है। ओके दोस्तों, आप हाथ घुमाओगे तो समझ जाओगे कि स्मूथनेस किस तरह से आ रही है। ओके दोस्तों, जो 220 नंबर वाला सैंडिंग पेपर होता है दोस्तों, उसकी जो ग्रेड होती है यानी कि यहाँ पे जो स्पॉट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ओके दोस्तों, अगर इसके ऊपर हम 320 नंबर का सैंडिंग पेपर नहीं अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो स्क्रैचेस होते हैं दोस्तों, वो कलर अप्लाई कर देने के बाद ऊपर वैसे ही दिखाई देंगे। इसीलिए आपको हमें इसके ऊपर 320 नंबर का सैंडिंग पेपर अप्लाई कर देने से इसके ऊपर बहुत सारी अच्छी तरह से फिनिशिंग आ जाएगी। ओके दोस्तों, तो चलिए 320 नंबर का सैंडिंग पेपर अप्लाई करते हैं और उसके बाद कलर की प्रोसेस देखते हैं। तो दोस्तों, 320 नंबर का सैंडिंग पेपर अप्लाई कर देने के बाद पार्ट कुछ इस तरह से दिखाई देता है दोस्तों। इसके ऊपर जो सैंडिंग करते समय जो पानी होता है वो दोस्तों उसको सूखने के लिए छोड़ना होगा या आपको कॉटन की मदद से उसको क्लीन करना होगा। ओके दोस्तों, अगर पानी वैसे ही रहेगा दोस्तों तो पेंटिंग करते समय आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। ओके दोस्तों, फिनिशिंग नहीं आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी तरह से क्लीन करना होगा और उसको सूखने के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना होगा। ओके दोस्तों, आप देखेंगे मास्किंग की जो स्टेप होती है क्या होती है। उसके बाद आपको दोस्तों कलर करने से पहले जिस पार्ट्स के ऊपर कलर करना है वो पार्ट छोड़ के जो पिछले वाला एंड जो आगे वाला पार्ट्स होता है, ये सीट्स और नीचे वाला कौल, इसको आपको मास्किंग करना होगा। इसके ऊपर कलर ना उड़ जाए इसीलिए आपको ये स्ट्रिप्स लगानी होगी। ओके दोस्तों, आप इसके लिए कौन सा भी न्यूज़पेपर या किसी भी तरह की रद्दी यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, पहले इस साइड का हम पेंट करेंगे उसके बाद इस साइड का। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने अच्छी तरह से मास्किंग कर दिए हैं, उसके बाद इसके ऊपर कलर की स्टेप आएगी। पहले जो स्प्रे होता है उसको आपको अच्छी तरह से हिलाना होगा। ओके दोस्तों, नहीं हिलाओगे तो उसमें कलर में फिनिशिंग नहीं आएगी। आपको 10 मिनट तक यानी कि 4-5 मिनट तक तो हिलाना होगा, उसके बाद इसको जिस पार्ट्स के ऊपर अप्लाई कर देना है उसके ऊपर अप्लाई कर देना होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई करते समय आपको पहले उसका स्ट्रोक किस तरह से है आपको देखना होगा। अप्लाई करते समय दो स्टेप में आपको अप्लाई कर देना होगा। पहले तो आपको सिंपली दूरी इतनी रखनी होगी। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, और हल्के हाथ से पहले तो आपको अप्लाई कर देना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, पहले ही हाथ में आपको उसके ऊपर फिनिशिंग नहीं निकालनी है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। ओके, देखिए दोस्तों, जितना पेंट करते समय हिलाओगे उतनी अच्छी तरह से
कलर की फिनिशिंग आएगी जितनी आप ज़्यादा दूरी रखोगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से कलर को अप्लाई करना है। पे आप देखोगे दोस्तों कि किस तरह से हम दूरी रख के स्प्रे कर रहे हैं। आपको कुछ इस तरह से स्प्रे करना होगा। ओके दोस्तों, जितनी दूरी रखोगे दोस्तों उतनी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। स्प्रे करते समय कंटिन्यू स्प्रे करना होगा आपको। रुक रुक के स्प्रे करोगे दोस्तों तो एक जगह पे ज़्यादा हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक लेयर अप्लाई कर दिए। इसको आपको सूखने के लिए 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ना होगा और उसके बाद दूसरी जो फिनिशिंग वाली स्टेप होती है वो आपको अप्लाई कर देना होगा। ओके दोस्तों, तो इसको हम 10 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, स्प्रे को अप्लाई करते समय ध्यान में रखने वाली बात होती है कि एक जगह पे आपको इस स्प्रे को कुछ इस तरह से अप्लाई करते नहीं रहना चाहिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से, अगर इस तरह से अप्लाई करते रहोगे कंटिन्यूसली आपको अप्लाई करना होगा। अगर कुछ इस तरह से रुकोगे आप एक जगह पे तो उस जगह पे वो कलर है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, उससे आपकी जो कलर की फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमने 10 मिनट के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ दिया था और अब उसके बाद इसके ऊपर सेकंड स्टेज यानी कि इसके ऊपर फिनिशिंग वाली स्टेज हम अप्लाई कर देंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए सेकंड वाली स्टेज हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते समय आपको स्प्रे को पहले तो अच्छी तरह से हिलाना होगा। ओके दोस्तों, और उसके बाद इसके ऊपर आपको कलर को अप्लाई कर देना होगा। अप्लाई करते समय सेकंड बार भी आपको अच्छी तरह से फिनिशिंग में आपको अप्लाई कर देना होगा। इसमें ज़रा ज़्यादा डिस्टेंस रख के आपको इसके ऊपर स्प्रे करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं किस तरह से इसके ऊपर स्प्रे कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, सेकंड टाइम आप जब स्प्रे करते हो तो उसके ऊपर ज़रा नज़दीक से आपको स्प्रे करना होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर दे रहा हूँ। ज़रा ज़्यादा मात्रा में आपको इसके ऊपर सेकंड स्टेज में कलर अप्लाई कर देना होगा, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा मात्रा में आप कलर अप्लाई करोगे तो इसके ऊपर फिनिशिंग आ जाएगी। ओके, तो टोटली साइड से हम इसके ऊपर सेकंड वाला स्टेज अप्लाई कर देंगे और उसके बाद किस तरह से गाड़ी दिखाई देती है पेंटिंग हो जाने के बाद वो आपको मैं दिखाऊँगा। तो आप देखोगे कि टोटली कलर हो जाने के बाद सूखने के बाद किस तरह से सिटकड़े आपको दिखाई दे रही है। ओके, टोटली नई जैसी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर दोस्तों कुछ इस तरीके के आप घर पे पेंटिंग किस तरह से कर सकते हो इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों।